आज मैंने बनाया है साउथ का फेमस मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा और सांभर हम सबको खाना बहुत पसंद है, पर इसे बनाने में बहुत सारी परेशानियां आती है। पहला कि ये सॉफ्ट होगा तो अंदर तेल को एक्सेस एब्जॉर्ब करेगा, या फिर क्रिस्पी नहीं होता या प्रॉपर फर्मेंटेशन नहीं होता। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट, और तेल को भी इसने ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो आप मेरे इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और इसी तरह क्रिस्पी मेंदू वड़ा घर पर बनाइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इजी यूनिक रेसिपी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे, एक भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए, और साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिए। मेंदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने व्हाइट वाली सफ़ेद वाली उड़द दाल ली है 200 ग्राम। इसे मैंने 12 घंटे के लिए भिगाया था। आप इसे जितना ज़्यादा 10 से 12 घंटे के लिए भिगाएंगे, मेंदू वड़ा उतना ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा। और आप जिस पतीले में इसे भिगाएंगे वो पतीला पूरा अच्छी तरह पानी से भरा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, 12 घंटा भिगोने के बाद मैंने इसे 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखा था, यानी इसे मैंने चिल्ड कर लिया था। अब फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसका पानी निथार दिया है। दाल इस वक्त भी ठंडी है। ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो आपको इसे पीसने में परेशानी नहीं आएगी। देखिए, फ्रिज से निकाल के पानी निथार दिया था मैंने, और अब मैं इसमें इसे एक जार में, मिक्सर जार में डाल के इसका बैटर रेडी करूँगी। आपको इस बात का ध्यान देना है कि बैटर में आपको पानी नहीं डालना है। अगर आपको बहुत ड्राई लग रहा है या फिर पीसने में परेशानी हो रही है तो आप 1 से 2 चम्मच डालिए। पर यहाँ पर मैंने फ्रिज में रखा था, इसीलिए मुझे यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बहुत ही ईजीली 1 से 2 बार में ये दाल मेरी अच्छी तरह पीस चुकी है, देखिए, बिना पानी डाले। तो ये ट्रिक भी आप बहुत यूज़फुल है, आप इसे हमेशा ध्यान दीजिए, इससे आपको पीसने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर ये मेरा बैटर रेडी हो गया है, एकदम परफेक्ट हुआ है। तो अब मैं इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। देखिए, यहाँ पर मैं इसे निकाल के रख रही हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, हल्का दरदरा है बस, इसे एकदम फाइन पेस्ट भी नहीं करना है। इसे मैंने रात को पीसा था, और पीसने के बाद इसे मैंने पूरी रात फ्रिज में रख दिया था। जी हाँ, जब आपको बनाना हो तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद आप फ्रिज से इसे निकाल के 1.5 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे। इससे आपके जो ये वड़े बनेंगे बहुत क्रिस्पी बनेंगे और तेल को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। दाल को आप हमेशा सुबह भिगाइए, शाम को पीस के फिर उसे पूरी रात फ्रिज में रखिए, फिर सुबह आप जब भी उसे बनाना है 1.5 घंटे पहले निकाल लीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ बेसिक मसाले। जी हाँ, ये 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है ज़ीरा, जितना आप क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेश कोकोनट यानी नारियल को इस तरह बारीक बारीक कतरों में काट लिया था, ये थोड़ा सा डाल दूँगी, 2 बड़ा चम्मच था। और साउथ के डिश में तो कड़ी पत्ता डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता है मेरे पास ये फ्रेश, इसको मैं तोड़ के इस तरह हाथों से डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए। मिर्ची जितना आपको तीखा चाहिए, पर थोड़ी ही डालिए, ज़्यादा नहीं। फ्रेश कोरिएंडर, धनिया। अब मैं इन सबको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसे आप जितना अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और इसे आपको अच्छी तरह फेंट लेना है। लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे फेंटा था। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। जब आपको वड़े बनाने रहे तभी आप उसमें नमक डालिए। नमक डाल के उड़द दाल के बैटर को कभी मत रखिएगा, नहीं तो आप जो भी वड़ा या फिर भजिया पकौड़ी बनाएंगे वो लूज़ पड़ जाएंगे और उससे पानी अलग हो जाएगा बैटर से, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। एक कढ़ाई में मैंने तेल रख लिया है फ्राई होने के लिए, इसे मैं मीडियम टू हाई गरम कर लूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप वड़े कैसे बनाएंगे। हमेशा आप एक कटोरी में पानी ले लीजिए, हाथ में अच्छी तरह पानी लगा लीजिए। देखिए, इस तरह मैं दोनों हाथों में अच्छी तरह पानी लगा दूँगी।
और जितना बड़ा आपको मेंदू वड़ा ये बनाना है आप उतना उसे हाथ में लीजिए। इस तरह मैं इसे राउंड करके, इस तरह देखिए मैंने थोड़ा सा चपटा शेप देके बीच में इसको इस तरह होल कर दे रही हूँ। फ्रिज में रखने के बाद अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपका ये जो शेप है मेंदू वड़े का वो बिगड़ेगा नहीं, तो ये ट्रिक को भी आप ध्यान में रखिए। बनाने से पहले इसे फ्रिज से निकाल के ठंडा ही इसे, ठंडा मतलब चिल्ड नहीं होना चाहिए, हल्का नॉर्मल टेम्परेचर पे आना चाहिए। इस तरह आप मेंदू वड़े को शेप देके बना सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी शेप देने के लिए स्पैचुला की ज़रूरत नहीं, आप हाथ से भी इतना अच्छा शेप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम, पहले हाई पे गरम कर लिया था, अब मैंने मीडियम टू हाई रखा है। अब मैं इसी तरह सारे मेंदू वड़े को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मुझे फ्राई करने में इसे 4 से 5 मिनट लगे थे, गोल्डन ब्राउन करना है। वड़े को तेल में डालने के बाद 30 सेकंड के बाद ही आप उसे पलटिए, नहीं तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। और फ्लेम को आपको हमेशा मीडियम टू हाई रखना है, उसके मिडल में रखना है। यहाँ पर देखिए ये मेंदू वड़ा क्रिस्पी रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं इस पर तेल इसके सरफेस पे आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर पे तो नहीं निकाला है फिर भी, क्योंकि इसने तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया, बट आप टिश्यू पेपर पे इसे निकालेंगे तो जो भी थोड़ा ही एक्सेस ऑयल है वो भी इसमें से निकल जाएगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कैसी बनी। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से लेके आऊँगी कोई बढ़िया, ईजी और यूनिक रेसिपी सिंपल वे में। बाय बाय।